शिक्षक हैं। गोभक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीति जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान, पुत्री रंगामाथ श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टी 200 फीट बाईपास अलवर राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, कर्म हमें जिंदगी देता है, कर्म हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, कर्म हमें प्रकाश देता है। लेकिन व्यक्ति कर्म कर रहा है, दिन रात कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्म का जो फल है वह नहीं मिल पाता। कर्म एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति सारे अंधकार को मिटा सकती है, जीवन की हर समस्या का समाधान कर्म है। कर्म का अर्थ होता है अपना पुरुषार्थ। हमें कुछ पाने की इच्छा है, हमें कुछ करने की इच्छा है, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई हवस होती है, उसका कुछ करने का मन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई इच्छाएं ना हो। कोई ना कोई ख्वाब है, एक कदम भी उठाता है तो उस कदम में भी कोई ना कोई इच्छा है। चाहे साधु हो चाहे आप गृहस्थ हो, इच्छाओं का निरोध होता नहीं, और इच्छाओं का निरोध हो जाए तो फिर कोई कर्म करने लायक नहीं होता। इच्छाएं वो चीज है जो हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा कर्म खत्म हो जाएगा। जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं वे भगवान कहलाते हैं, वे मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते हैं। और मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। मोक्ष जाने के लिए कोई कर्म नहीं करना, इच्छाओं का निरोध करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, समस्त पुरुषार्थों से रहित हो जाना, कुछ नई करने की इच्छा यदि जाग जाए। मैं कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी नहीं, संसार की भी नहीं, और वह व्यक्ति इच्छाओं से इतना रहित होता जाता है, इतना रहित हो जाता है कि वो
उसको ऐसी अनुभूति होती है, मैं कृतकृत हो गया, मैं धन हो गया, मैं पूर्ण हो गया। आप लोग संसार में हैं, क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई, मैं धन हो गया, कभी हुई? मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो गई, क्या भी हुई? पूर्णता की अनुभूति, एक क्षण को भी हो जाए मैं पूर्ण हूं। आप लोग कब अनुभूति होगी कि मैं धन हो गया? करोड़ वाले बैठे, धन्यता की अनुभूति हुई है कि नहीं? अभी नहीं हो नहीं सकती। यदि पूर्णता की अनुभूति हो जाती तो शाम की जिज्ञासा की प्रार्थना नहीं करते। इसका अर्थ है कि मेरे आने के बाद भी अभी आप अधूरे ही हो और शाम को भी अधूरे ही रहोगे। मैंने जहां जहां चतुर्मास किए उनको भी अधूरे छोड़ के आया हूं, कानपुर को भी अधूरे छोड़ा, आगरा को भी अधूरा छोड़ा, जितने अभी तक जहां जहां से बिहार किया सबको अधूरे छोड़ना, क्योंकि कोई बोलते ही नहीं कि रस मरा गया, मैं पूर्ण हो गया। पूर्णता की अनुभूति हो ही नहीं सकती, भक्त कभी तृप्त नहीं हो सकता, भक्त कभी पूर्ण नहीं हो सकता, भक्त सदा अधूरा रहता है। और पूर्णता की यदि अनुभूति हो जाए तो नियम से वह भगवान का रूप ही प्राप्त करेगा। जिसके जीवन में अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है, मानत एक शांत चित्त रहना पड़ता है, कुछ भी आकुलता नहीं, धर्म की भी नहीं, अधर्म की भी नहीं, पुण्य की भी नहीं, पाप की भी नहीं, एकदम मात साक्षी भूत बन जाता है। कुछ करने का, कुछ चलने का मन नहीं होता। और इसी के अभ्यास के रूप में सामायिक की जाती है। सामायिक में कुछ नहीं करना, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को विराम देना है। तो ऐसी पूर्णता की अनुभूति, ऐसे कर्म की अनुभूति इस संसार में होना मुश्किल है। उसकी चर्चा को अपन गौण करते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए अपन प्रणाम करते हैं, ऐसे महापुरुष को हम मंदिर में बैठाते हैं, ऐसा महापुरुष हमारा आदर्श है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का यही भेद है। सम्यक दृष्टि उनको चाहता है जो सब कुछ छोड़ बैठे हैं, सब कर्म करना बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, अच्छा बुरा जिनके जीवन से बहुत ऊपर उठ गए, जिनसे कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ नहीं देते हैं, और वहां यदि मस्तक झुकाने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हें भगवान मिल गए। एक भिखारी था, भिखारी हर दरवाजे पर प्रतिदिन जाया करता था। सूरदास था, अंधा था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते दरवाजे पर पहुंचा, वहां पुजारी भी खड़े थे। बोले सूरदास जी, आप आने जाइए। बोले क्यों भाई? मैं दरवाजे पर आया हूं तो कुछ दीजिए ना। बोले तुम्हें मालूम नहीं, ये दरवाजा मंदिर का है, भगवान का है,
यहां दुनिया यहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी नौकरी ही कर रहा हूं तो दरवाजा किसका है? बोले त्रिलोकीनाथ भगवान का है। सूरदास सम्यक दृष्टि ज्ञानी था, उसने कहा कि बस वही दरवाजा तो खोज रहा था आज तक, जो सारे तीन लोक का नाथ है फिर भी वो कुछ भी नहीं देता है, बस इसी का नाम तो भगवान। पुजारी कहता है यहां कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे भी चढ़े हुए चावल मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता यहां से। यहां तो दुनिया को आकर के देना ही पड़ता है, मिलने वाला तो कुछ नहीं, फिर भी लोग आते हैं, वो लोग लाइन लगती है, फिर भी लोग आते हैं, बोले हाँ फिर भी लोग आते। आज तक यहां से किसी को कुछ मिला नहीं, फिर भी लोग आते। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान है जन्म का। दूसरे के स्थान पर तो कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिले तो अपना खुद का चला हुआ प्रसाद तो मिल जाता है, यहां तो वो भी नहीं मिलता। फिर भी लोग जिनेंद्र देव को शक्तिमान मानते हैं। सारी दुनिया ने आज तक जन्मों ने किसी मूर्ति पर किसी मंदिर पर कभी अपना अधिकार जताया हो, मिलते हैं कभी नहीं देते, लेकिन जन्मों की मूर्ति के लिए सारा मुल्क दीवाना हो जाता है। जन्मों की मूर्ति मिलते ही हर व्यक्ति लेने को तैयार है। आपने देखा चारों धाम में बद्रीनाथ में भी आदिनाथ भगवान बैठे, मैं भी भगवान आप आदिनाथ भगवान होकर के मैंने लोगों से कहा, मैंने भी अरे भाई जैनियों के भगवान तो फक्कड़ होते, इनसे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, इनको क्यों तुम लोग हम लोगों की मूर्तियां वापस करो, तुम लोगों को तो जो भगवान चाहिए अच्छे हैं जो सब देते हैं लेते हैं, तुम्हें भी कुछ देंगे और वो भी कुछ लेंगे। लेन देन वाला भगवान अच्छा है। तो समझदार लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान, माल तो वही है जहां कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम कहा करते हैं क्यों चक्कर में पड़ते हो, क्यों चक्कर में पड़ते हो, उनके पास तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, क्यों जन्मों के मंदिर पर कब्जे करते हो या मूर्ति लेते हो, ये सब दिगंबरों के लिए भी धन है। क्या करोगे बिना कपड़े वाले को लेकर के? एक बार मैंने एक बंदू से कहा, मैंने कहा तुम दिगंबर मूर्ति है स्पष्ट रूप से, क्या करोगे पूजो? पूजो था तो कपड़े वाले को पूजो, हार श्रृंगार वगैरह हो। पता नहीं क्यों लोग अंदर चेतना से तो कहते हैं जो इस बाबा के पास है वो दुनिया की बाबाओं के पास नहीं है। किसी ने पूछना जैसे जहां नमस्कार करे वहां हजार लोग बिना जाने नमस्कार कर लेते, बोले दुनिया ने मस्तक झुकाया है मन से, कुछ ना कुछ तो है। और सूरदास ने कहा कि क्या बात पुजारी जी, आपको यहां कुछ नहीं मिला? बोले मिलते ही नहीं यहां कुछ, तुम भी आगे जाओ। सूरदास ने कहा बस आज तक इसी की खोज थी हमें कि वो सारे तीन लोक में पूजा जाता है और जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो और कुछ भी देता नहीं है और लेता नहीं है, फिर
से मंदिर में भगवान के रूप में पूजते हैं, ऐसा भगवान कभी तुम्हें मिल जाए? अभी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, जैनियों को भी नहीं मिला, जैनियों को भी अभी नहीं मिला। जैनियों की अभी आशा बनी है, बड़ी भगवान कुछ नहीं देता, लेकिन तुम जाते तो मांगने हुई, पाने की इच्छा तो तुम्हारे पास भी रहती है और तुम भी उसको सोचते हो कि इस मूर्ति का अभिषेक करने से, धाम त्यारा करने से हमें कुछ मिल जाएगा। यही भूल हमारी सबसे बड़ी भूल बनी हुई है। जिस दिन हमारा मन हो जाएगा कि पक्का निर्णय हो गया, भगवान तुम कुछ दोगे नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, बस यही मेरी भगवान की परिभाषा है, अतः हे भगवान मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं, उस दिन सारी दुनिया की जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी। उसका नहीं देना नहीं करना ही बता रहा है कि अंदर से उनकी एक ऐसी आभा रहती है जो सब कुछ ना दे करके भी पता नहीं उनके नाम से क्या मिल जाता है। मक्तांबर के अंदर स्पष्ट कहा, भगवान तुम कुछ देते नहीं हो और तुम्हारे बिना कुछ मिलता नहीं, तुम कुछ करते नहीं हो लेकिन तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति जब अपनी बन जाए और ऐसे यदि अपने पास अदृश्य शक्ति आ जाए, कर्म हमें करना है और कर्म से ही जो कुछ अपन कर सकते हैं वो भगवान नहीं कर सकते। संसार धर्म से नहीं कर्म से चलता है और कर्म हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। उनके पास धर्म है, हमारे पास कर्म है। हमें जो कुछ भी मिलेगा कर्म से मिलेगा, कर्म भगवान के पास नहीं होता। इसलिए भगवान कभी, भगवान के अनुयायी हम साधु लोग कभी स्वयं कर्म नहीं करते, भगवान तो करते ही नहीं। खुद का मंदिर भी भगवान नहीं बनाता क्योंकि वो कर्म बनाएगा। धर्मात्माओं को मंदिर नहीं चाहिए, धर्म को मंदिर की जरूरत नहीं, धर्म को किसी भी चीज की जरूरत होती ही नहीं। और जिसके अंदर धर्म प्रकट हो जाता है वो भी कर्म करना छोड़ देता है। अब अपन को विचार करना है दो चीजों में, संसार कर्म से चलेगा, परमार्थ धर्म से चलेगा, आपको क्या चलाना? आप अभी जिस अवस्था में बैठे हैं, आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, स्वयं की आजीविका है, तुम्हारी जिंदगी धर्म से चलेगी या कर्म से चलेगी? परवई में तुम बैठे हो यहां छोटे से गांव में, कर्म के लिए के धर्म के लिए? कर्म के मारे हो के धर्म के मारे? धर्म के मारे होते ना तो कहीं नहीं, कर्म के मारे हो। कर्म तुम्हें मजबूर कर रहा है, कर्मों में तुम्हें कर्म दिख रहा है, कर्म की सफलता दिख रही है, कर्म का फल तुम्हें कर्मों में दिख रहा है।
थोड़े भारत में घूम रहा हूं, जगह जगह लोग बिखरे पड़े हैं। किसने बिखेर दिया? कर्म ने। धर्म के स्थान सुने पड़े हैं, धर्म के स्थानों पर कोई रहता नहीं है, और थोड़ा सा भी कर्म की प्रतिकूलता तुम्हारे में आ जाए और तुम्हारी कर्म की सफलता जहां मिले तुम धर्म को छोड़ दोगे। गांव गांव में घूमता हूं, मंदिर है लेकिन समाज नहीं। क्यों? किसने छुड़ा दिया वो मंदिर? कर्म ने। वहां कर्म की सफलता नहीं रही, कर्म विफल होने लगा। कर्म जितना हम करना चाहते थे नहीं मिला, हमने भगवान को छोड़ दिया। हमें बाल बच्चे प्यारे थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आजकल के प्रश्न किया, तुम्हारा जी आजकल के बच्चे अपने बच्चों के खातिर माँ बाप को भी छोड़ देते, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो अपने बाल बच्चों के खातिर भगवान को भी छोड़ देते तो माँ बाप कहाँ लगते हैं? माँ बाप को छोड़ देते, थोड़ी सी आजीविका मिल जाए, थोड़ी आजीविका के लिए वृद्ध माँ बाप पड़े रह जाते हैं और बेटा अमेरिका चला जाता है, बेटा नौकरी पे चला जाता है। कसाई के कारण भी जाना अलग चीज है, कर्म के कारण चले जाते हैं। एक कर्म ने माँ बाप को छुड़ा दिया और कर्म भगवान को भी छुड़ा देता है। मंदिर जो का तो पड़ा रह जाता है, ताले लग जाते हैं, बनाया होगा पुरुषों ने, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत समझाता हूं। बोले महाराज जी आप जादू यदि कहते हो तो आप ही खुद ही ले जाओ भगवान को जहां चाहिए। कई स्थानों के हमने मंदिर उठवाना पड़ते हैं, नहीं तो चोर उठा ले जाए। मैं सोचता हूं लोगों ने छोड़ा क्यों? कर्म की मार एक ऐसी है, कर्म जिंदगी की ऐसी समस्या है जहां हर व्यक्ति को घुटने टेकना पड़ता है। धर्म कुछ भी समझ में नहीं आता, धर्म को एकदम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और मैंने भी सोचा बात सही है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, चिंता नहीं करना। कोई बेटा कर्म को छोड़कर माँ बाप को छोड़ता है तो मैं नाराज नहीं होता, मैंने कोई बात नहीं। उसके जीवन में बाप काम नहीं आएगा, उसके जीवन में आगे बेटे ही काम आएगा। बाप तो यूजलेस वस्तु है, हो चुकी, उनको तो अब जाना ही है। आपको यदि दोनों से आपको एक चयन करना पड़े, बेटे को पिता को, तो आपको किसे चयन करेंगे? बेटे को। तभी तो उस बेटे के खातिर, बच्चों के खातिर माँ बाप को छोड़ देते हो। चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, मैं भी यही समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मंदिर के खातिर तुम रुक जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म तुम्हें जिंदगी नहीं देगा, धर्म तुम्हें प्रकाश नहीं देगा, धर्म तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कारण नहीं बनेगा। भगवान कुछ देने वाले नहीं है, तुम्हें भूखो नहीं मारूंगा। यदि कर्म नहीं मिल रहा है वहां तो छोड़ दो उस स्थान, मंदिर की चिंता मत करो। मंदिर तो छूटे तो छूट जाए, लेकिन व्यापार नहीं छूटना चाहिए। बाप छूटे तो छूट जाए, बेटा नहीं छोड़ना थे। माँ छूटे तो छूट जाए, पत्नी को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी पत्नी से चलना है, माँ से नहीं चलना। माँ से तो चल चुकी है, माँ से तो जिंदगी गुजर गई,
जिस पोजिशन में आप बड़े हो चुके हैं शादी के बाद, शादी के बाद माँ की अब कोई भी जरूरत नहीं है। शादी के पहले तक जरूरत थी, शादी के बाद कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद गृहस्थी पत्नी से चलती है, माँ से नहीं चलती। आगे गृहस्थी पिता से नहीं चलेगी, बेटे से चलेगी। इसलिए मैं तो आजकल तुम्हारे पिता को नहीं चलता, जो तुम कहते मैं उसी में हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है। और आज हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ व्यापार धंधा नहीं है, मित्रों का आशीर्वाद बहुत अच्छा। भगवान जी कहते क्या कर रहा है, मुनि भगवान तुमसे छोटी जिंदगी चल रहा है इनकी, रोजी रोटी चाहिए इनको। तो ये निर्णय जो तुम्हारे होते हैं, जो तुम्हारी आत्मा कराती है कि तुम मंदिर को छोड़ करके भी, तुम धर्म के स्थान को छोड़ करके भी, बड़ा रस्ते में हमें सुनाते आए गोरे महाराज जी, कोई व्यक्ति यहां से निकलते ही नहीं, सागर नहीं निकलते। करोड़ वाले कहते कि हम ऐसे थोड़े से अंदर पड़ गए, उधर मोर आने पर गए तो निकल जाते हैं, करवे कम ले जाते हैं। क्योंकि बताइए कि हम पता नहीं कितने सालों में हमीरपुर रोड कोई शादी आया है, इस रोड से कोई आते ही नहीं, कोई नहीं आता। फिर भी आप लोग, आप लोगों को मालूम है कि यहां साधु कम आते हैं, फिर भी हरपालपुर में करो, फिर भी वो कौन से है, बहुत सारे गांव है ना, बांधा बांधा अकेले करो, चारों तरफ कोई समाज ही नहीं, क्यों करो। मालूम है कि साधुओं का आना जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, फिर भी कोई ना कोई मजबूरी तुम्हारी है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम करवाई छोड़ दो, धर्म छूटे तो कोई बात नहीं, कर्म नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कर्म है। वैष्णव दर्शन में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, कर्म करो कर्म, धर्म की बातें मत करो, हिंसा और अहिंसा की बातें मत करो, मोह मत जगाओ, कौन मरेगा कौन जिएगा, कर्म करो कर्म। और कर्म करना ही हमारी संसार की नियत होना चाहिए, हर व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कर्म करने का, जो जिस क्षेत्र में है। पढ़ने वाला विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, धन कमाने वाले का है धन कमाना, धन कमाना। हम साधुओं का है कर्म, हमारी जो क्रियाएं हैं उनका क्रियाओं का पालन करना। अपने अपने कर्म में लगे रहो, अपने अपने कर्म में लगे रहो, और कर्म प्रधान संसार है। बस आपका पूरा पक्ष लेकर के मैं उसी कर्म में सफलता का मंत्र देना चाहता हूं। मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा बनोगे भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया तुम मंदिर के लिए कर्म नहीं छोड़ोगे, कर्म के लिए मंदिर छोड़ देते हैं। अभी भी यहां कितने जैनी होंगे, दो घर हैं पांच घर हैं, सभी कर्म करते हैं, सभी खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, व्यापार करते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते होंगे। हमारे यहां नियम है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का
प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। परसेंटेज बता दो कितने हैं, संख्या तो क्या पूछूं, कितनी पूरी जनसंख्या मान लो जैनियों की, 50, 100, 50 मान लो, पुरुष वर्ग 50, 25, 25 मान लो, 25 पुरुष 25 मान लो, ठीक ओके, जो आप कह रहे हो गलमा नहीं करेंगे। क्या अभिषेक के समय 25 लोग अभिषेक कर रहे हैं? क्या 25 महिलाएं सब बैठ करके सोचा कि अपन सब मिलकर के छोटी समाज है लेकिन सब लोग मंदिर जाकर अभिषेक करेंगे? क्यों नहीं? पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? कर्रवाई में बिना पढ़े बच्चे रहते हैं कि पढ़े लिखे? पढ़ते भी हैं कि नहीं? शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बिना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत तो अंगूठा छाप जर्नी में हो ही नहीं सकता, जो हस्ताक्षर करके भी आठ साल का बच्चा, हर बच्चा कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन हर बच्चा धर्म कर रहा हो या धर्म की किताब पढ़ रहा हो ये जरूरी नहीं है। कर्म एक भी चूक रहा है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में बोलूंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और आजकल बहुमत का जमाना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है 8 साल का जिसके हाथ में कर्म की किताब ना हो, कर्म की किताब ना हो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ रहा है, रोके पढ़ रहा है, और गजब तो ये है कि वो पढ़ नहीं रहा है, तुम लोग उसको जबरदस्ती मार के पढ़ा रहे हो, पीट के पढ़ा रहे हो, बच्चे को रुला के पढ़ा रहे हो। छोटा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन माँ बाप उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लोग देते एन के एन प्रकार में जैसे बने तैसे कर्म की किताब पढ़ाते हो, होमवर्क कराते हो। धर्म की किताब के लिए आज तक किसी ने माँ ने पिता ने बच्चे को ना डांटा होगा ना थप्पड़ मारा होगा। स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ किसने तो बच्चे खाते हैं माँ बाप के। और धर्म के मंदिर में पाठशाला में कितने बच्चे हैं, यहां पाठशाला ही नहीं होगी एक तो। या धर्म के लिए कभी किसी बच्चे ने किसी को मारा? स्कूल नहीं गया तो आपने डांटा है, मंदिर नहीं गया तो किसी माँ ने थप्पड़ नहीं मारा? स्कूल के नाम पर थप्पड़ खाए हैं तुमने, मंदिर के नाम से किसी ने थप्पड़ ही नहीं मारा। और जब तक गार्जियन का जिस चीज में थप्पड़ नहीं पड़ता है वो चीज उसको हासिल हो ही नहीं सकती। कभी नहीं मारा आपने थप्पड़ बच्चे को कि तू मंदिर नहीं जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा, और ज्यादा किया तो थप्पड़ मार दिया। स्कूल आप भेजने जाते हैं, मंदिर भेजने का समय आपके पास नहीं है। हमने ऐसे लोग देखे कि 4 बजे भी कहीं बाहर से आए हैं रात्रि में, और 7 बजे स्कूल को भेजना है बच्चे को, तो आप उठ जाएंगे जल्दी के नहीं है? खेल गए बच्चे स्कूल भेजना है, कितने लोग हैं जो बच्चे से इसलिए उठ गए जल्दी कि बच्चे को अभिषेक कर दिखाना है, अभिषेक कराना है, इसलिए 7 बजे उठूंगा। 4 बजे आए, 4 बजे तो क्या रात भर सोते रहे तो भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का नियम बन गया है कि हमें कर्म करना। हर बच्चा कर्म की किताब पढ़ रहा है, हर व्यक्ति यहां 24 घंटे कर्म कर रहा है, कर्म के लिए ही हो। इसलिए मैं तुम्हारे, क्योंकि नियम है हवाओं के पिटकूल मत चलो,
आंखों में कंक्रीट आएगी, हवाएं जिस तरफ बह रही हैं उसी तरफ चलो तो चलने में श्री बन जाएगी। इसलिए तुम तो मेरी हवाओं में नहीं बहोगे, हम तुम्हारी हवाओं में बह जाते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए वो धर्म बता रहा हूं जो तुम्हें कर्म में सफलता दिलाएगा। आज क्यों व्यक्ति कर्म करते हुए भी एक से नंबर नहीं ला पा रहा है? कर्म करता हुआ व्यक्ति एक से अमीर नहीं बन पा रहा है। लाइट तुम हो, प्रकाश तुम हो, मैंने सब कुछ कह दिया, संसार में जो कुछ भी है सब कर्म है। लेकिन उस बात को तुम भूल गए कि कर्म प्रकाश है लेकिन धर्म करंट है। करंट दिखता नहीं है, कर्म दिखता है। ये बल्ब हमें जलता हुआ दिख रहा है। बोलो आप सब बोलो, अपन किसके प्रकाश में बैठे हैं? बोल दो मैम। हेलोजन, हेलोजन के प्रकाश में बैठे हैं। लेकिन किसी को ये खबर नहीं है कि हम करंट के प्रकाश में बैठे हैं, क्योंकि करंट में प्रकाश होता ही नहीं है। करंट प्रकाशहीन होता है। करंट कभी किसी को उजाला नहीं देता। कितनी बड़ा करंट तार में बहे अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार तो बल्ब से ही होगा, लेकिन बल्ब के पीछे करंट हटा दो तो यही तो तुम लोग सब भूल कर रहे हैं। तुम उस पतंगे के समान हो गए जो पतंगा जान जाए कि मुझे प्रकाश बल्ब से मिल रहा है, हेलोजन से मिल रहा है। परिणाम ये निकलता है कि करंट का गायब हो जाता है और फिर कहता है बल्ब तो सही है फिर भी अंधेरा है। कर्म तो कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं। पढ़ाई तो कर रहा हूं पास नहीं हो रहा हूं। मेहनत तो कर रहा हूं महान भाव, कहीं तुम्हारे पीछे करंट खत्म हो गया। मैं तुम्हें करंट के साथ जीना नहीं सिखा रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बल्ब प्रकाश देता रहे इसलिए करंट को बना के रखना, अन्यथा अंधकार हो जाएगा। कर्म करोगे सफल नहीं। इसलिए धर्म को तुम धर्म मान के मत आओ। धर्म कर्म में सफलता दिलाने का एक मंत्र है। धर्म एक करंट के समान है जो अदृश्य होकर हमारी जिंदगी में बहता है। जो हमें चाहिए वो नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं मिलता। हमें कमरे में उजाला चाहिए, करंट उजाला नहीं देगा, उजाला तो बल्ब ही देगा। बिना बल्ब के कितना भी करंट उसमें बिछा दो कमरे में उजाला होने वाला नहीं है। तो कितने भी बल्ब लगा दो करंट के बिना उजाला होने वाला, तो उजाला के लिए दो चीजें चाहिए। जितना तुम कर्म से प्रभावित हो रहे हो उस कर्म में जो ताकत आती है उस धर्म से आती है। जो धर्म कुछ नहीं करता फिर भी करने वाले को ताकत देता है, करने वाले को ताकत देता है। वो कुछ नहीं करता, जलने वाले को प्रकाश देता है, ताकत देता है। और वह शक्ति जब हमारे अंदर ऐसा भाव जब ग्रस्त के अंदर आ जाता है फिर वह कर्म को छोड़ेगा नहीं,
धर्म को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। मैंने पहले ही कह दिया कि कर्म के लिए तुम मां बाप को छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है। ये पक्का है मां बाप तुम्हारे कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी मां बाप से नहीं चलेगी, क्योंकि तुम बड़े हो गए, विवाह हो गए, अब पत्नी की जरूरत है, मां की नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पत्नी तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, बच्चे तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, लेकिन मां बाप उस जिंदगी में करंट के समान है, उनकी जिंदगी। इसलिए मत रखना कि वे तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए रखना कि हमारी जिंदगी में यदि करंट आएगा तो वहीं से आएगा, एक सगुन के रूप में रखना। सगुन से काम कराया नहीं जाता, लेकिन सगुन सारे कार्य करने में सफलता बनाता है। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि वो भगवान है, धर्म है। मंदिर इसलिए जाना कि भगवान सगुन है, उनका दर्शन करके जाएंगे तो हमें कर्म में सफलता मिलेगी। क्योंकि आज का युग उपयोगिता देखता है। आज हम मां बाप को कितना भी समझाएं, तुम्हारा एक ही पक्ष होगा, मुरादी है, उनका काम क्या है। मंदिर की बात हम कितने भी समझाएं, बोले मुरादी क्या रोटी रोजी थोड़ी दे देगा भगवान, मंदिर आप लोग, आप मुझे क्या दे देंगे, आए हो तो सही, जो जो चीजें तुम्हें चाहिए है, मुझे मालूम है तुम्हारी लिस्ट ऐसी याद नहीं, क्या क्या तुम्हें चाहिए, और वो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, मैं वायदा कर रहा हूं। तुम्हें यदि आज कह दिया जाए करोड़ वालों मांगो क्या क्या मांगना है, तो लोग लिस्ट बना के देंगे। मैं पहले ही कह देता हूं, काय को कागज खर्च कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन लेकिन जो तुम चाहते हो उसके लिए यदि मेरा नाम ले लोगे तो सगुन जरूर हो जाएगा, सफल करना। अब दो रूप कर दिए मैंने, एक तो देने रहने वाला और एक करने वाले के लिए सगुन। अब दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए? देने रहने वाला तो जिन्हें दे हो नहीं सकता, मां बाप भी नहीं हो सकते, वृद्ध हो चुके हैं, तो उनसे कोई काम ना करो कि हमें कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। धर्म कुछ दे देगा, गलत है। बस अब एक ही पॉइंट रह गया, तुम्हारे मन में एक भावना बन जाए, मां बाप हमारे कुछ नहीं देंगे लेकिन उनके चरण छूके जाएंगे तो हमारे कर्म में सफलता मिलेगी, सगुन मान लो। उनको जीवित रखो इसलिए नहीं कि वो काम के हैं, इसलिए कि वो हर हालत में तुम्हारे लिए सगुन है। सगुन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वो कामों में पड़े हैं तो भी जिंदा रखो, जिस हालत में है उस हालत में जिंदा रखो। कभी नहीं सोचना कि उनका वो भार है। अब मैं दूसरी बात, यदि शगुन तो तुम्हें कोई ना चाहिए, बिना शगुन के तुम कर्म में सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारी सफलता संदिग्ध है। इसलिए तुम कुछ शगुन करो, कुछ मंगलाचरण करो, कुछ मंगलाचार करो, कुछ शुभ करो। गृहस्थों को जो धर्म बताया है वो धर्म के रूप में नहीं बताया, उन्हें कर्म की सफलता के लिए बताया। बस तुम एक बात मान लो, शगुन शुभ, मां बाप कोई काम, बिल्कुल एक नियम पर
पहले ही बता दिया तुम्हारी जो धारणा है मैंने खुद सपोर्ट कर दिया, वो अब तुम्हारे किसी काम के, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए वो असमर्थ है, वृद्ध है। अब बात उनको जीवित इसलिए रखना कि वे तुम्हारे घर के सगन है, पैर इसलिए नहीं छूना कि वे बड़े हैं, पैर इसलिए छूना कि उनके पैर तुम्हारे लिए सगन है, सुन है, मंगलाचरण संकेत है। उनको रोटी इसलिए नहीं देना कि वे भूखे हैं, रोटी इसलिए देना कि रोटी तुम्हारी रोटी के लिए सगुन है। भूखा मान के मत देना, भूखा मान के कभी माँ बाप को रोटी नहीं देना, भूखा मान के रोटी देना बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी खिलाना पाप है, क्योंकि भूखे को रोटी खिलाई जाती है उसका नाम भिखारी होता है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी मत खिलाना, माँ बाप को रोटी खिलाना सगुन है, शुभ है, इसलिए रोटी खिलाना, और सगुन सम्मान के साथ किया जाता है, सगुन सम्मान के साथ किया जाता है। अब सुन के माँ बाप की कोई भी सेवा करना, वो बीमार है इसलिए सेवा मत करना, माँ बाप असहाय है इसलिए तुम उनका हाथ पकड़ के मत चलाना, माँ बाप बेचारे असहाय है, वृद्ध है, बेसहारा मान के, असहाय मान करके उनको सहारा मत देना, बस उनका सहारा देना तुम अपनी जिंदगी का सगुन मान करके। कि हम माँ बाप को सहारा दे रहे हैं इसका अर्थ है हमें अब जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने माँ बाप को सहारा दिया था, वो बेसहारा थे इसलिए नहीं, हमारी जिंदगी का शगुन। इसी प्रकार गुरुजनों के लिए इसलिए विहार नहीं करना महाराज के साथ कि चलो महाराज के साथ कोई विहार नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं करना। कानपुर वालों इसलिए नहीं, नहीं आप डिस्टर्ब नहीं करें, आप जो जहां है वो ठीक है। कानपुर वाले इसलिए विहार कर रहे हैं महाराज जी अब विहार तो कराऊंगा ही, क्योंकि आपने रास्ता ऐसा पकड़ लिया कोई भी रास्ते में नहीं है तो अब बिहार तो कराना ही पड़ेगा, कभी नहीं कराना। साधु अकेला है इसलिए बिहार कराना, साधु को असमर्थ है इसलिए बिहार कराना, इस रास्ते में कोई नहीं है इसलिए बिहार कराना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। साधु अकेला है, साधु के साथ कोई नहीं है, और साधु के ऊपर संकट आ सकता है, ये एरिया खतरनाक है, इसलिए कभी भूल कर विहार मत कराना, चाहे साधु मरे तो मरने देना, साधु संकट आवे तो आने देना, पर तुम्हारी कभी ये मीटिंग मत कर देना, बहुत बड़ा पाप है। बस इतना ही सा कर देना, साधु का विहार कराना हमारे लिए सगुन है, पुण्य का कारण है, और भाग्य है मेरे विहार इनका कराऊंगा, किस्मत मेरी बदलेगी, ये करंट है मेरी जिंदगी में, मुझे वो पुण्य बंद होगा। अभी रस्ते में कहा था ना एकदम कि साधु के विहार कराने में क्या लाभ है, साधु को क्या फायदा है, मुझे तो कोई फायदा नहीं, एक आध व्यक्ति जरूर चाहिए रास्ता बताने के लिए, इतने सारे लोगों को चलने की क्या जरूरत है। क्यों जब महाराज चलते हैं तो, क्यों भगवान जब चलते हैं तो लाखों देव चलते हैं, क्या जरूरत है भगवान को, भगवान जब विहार करते ना तो लाखों देवता चलते हैं, लाखों मनुष्य चलते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी।
कोई उनका बिगाड़ नहीं सकता, उनको कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी उस समय लिखा है शास्त्रों में, भगवान अकेले विहार न करें इसलिए विहार नहीं कराते हैं। भगवान के साथ विहार करने में हमें वो पुण्यबंध होता है कि हमारी यात्रा में कभी विघ्न नहीं आता। ये पुण्य साधु की यात्रा करानी है, साधु की यात्रा कराई है मैंने, अब मेरी यात्रा में कभी विघ्न आएगा ये पुण्य उस समय काम आएगा। अभी दो दिन पहले जिज्ञासा में आया, अपने जीवन को धन्य करने के लिए मजबूरी में जैन धर्म नहीं, अपने से जो गड़े हैं उनको कभी मजबूर नहीं मानना, असमर्थ नहीं मानना, असहाय नहीं मानना, तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी नहीं चलेगी ऐसा कभी सोचना नहीं। हर चीज में बस करते समय जो भी तुम्हारा बड़ा है उसको सगुण और शुभ मान के करना, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा, तुम कभी देर नहीं हो। यदि तुमने साधु को अस्मत मान लिया तुम देर हो जाओगे, थक जाओगे। एक दिन भगवान से भी कहोगे, भगवान आकर मम्मी पापा को कब उठा रहे आप? हाँ कह दोगे, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बोल दोगे कि माँ बाप कब उठे, उठे नहीं रहे, जाएंगे मर ही नहीं रहे, कहां तक सेवा करें, भार बन गए। क्योंकि आपने मात्र एक कमी है, आपने उनको असहाय मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं, असमर्थ मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं, बूढ़ा मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं, वृद्ध हो गए उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं इसलिए वो भार हो गए हैं। क्योंकि ये मन बहुत बदमाश है, असमर्थों की सेवा नहीं करता, असमर्थों को भार मानता है, असमर्थों की सेवा नहीं करता भार मानता है। मन थक जाएगा, मन थक जाएगा, तुम कहोगे बूढ़े माँ बाप में कहां तक रहे, तुम दो भाई हो झगड़ा करोगे मेरे पास क्यों तुम्हारे पास रहे, और अंत में पता चलेगा दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि भार लग गया, और भार होने का मैंने मूल कारण देखा, सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मजबूर है, फिर देखो वो इतने अहंकार में जाता है कि तुम कहा जाओगे, कहा मेरे बिना। मन को पता चल जाए कि इसका काम मेरे बिना नहीं होगा, फिर देखो मन नौ मंत्री लग जाता है, माँ बाप को असमर्थ मान लिया। बस आज से ही तुम माँ बाप को असमर्थ नहीं, असहाय नहीं, वृद्ध नहीं, सगुन मान लो, शुभ मान लो कि माँ बाप मेरे घर में शुभ है, सगुन है, पवित्र है। आप देखो आप परवश इसमें भी होगे तो भगवान से यही कहोगे, भगवान घर का सगुन खत्म ना हो जाए, ऐसे मंदिर को आप लोग मंदिर को भार मानते हो, आप मंदिर का अभिषेक पूजन आपको भार लगता है, यदि भार नहीं लगता तो मंदिर में आज तुम कहते महाराज यहां पर करवई में हम छोटी समाज जरूर हैं लेकिन 100% 8 से 80 वर्ष का हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक करके भोजन करता है, ये कहना चाहिए था, ये जवाब मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? मंदिर भार है, मंदिर की तुम सेवा करना मानते हो, कौन सेवक बनना चाहता है? तुमने भगवान को मालिक मान लिया है, तुमने अपने आप को सेवक मान लिया है। सेवक मजदूर के समान होता है, मजदूर को थोड़े से बनो तो वो बैठ जाता है। पहले मजदूर अपने उत्साह से काम करता है कि मजबूरी में? सेवक है, सेवक को करना नहीं चाहता वो,
करना पड़ता है। जैसे तुम आवाज लगा रहे तो वो बेदबाग से तसला उठा लेता है, और नहीं लगाया तो चुपचाप बैठा रहता है। तुम लोग भी भगवान के सेवक बन गए हो, कहा इनकी जिंदगी से जोड़ो। ये कर्म प्रधान ही है, इनके कर्म के लिए इनको जोड़ो। ये प्रकाश चाहते हैं, उस बल्ब से इनका करंट जोड़ो। करंट की कितनी महिमा गाओगे ये नहीं समझेंगे। इनको ये महसूस होना चाहिए कि प्रकाश बल्ब से आता है, लेकिन बल्ब में प्रकाश नहीं होता, प्रकाश करंट से आता है। धर्म को करंट के समान मान करके अपनी जिंदगी को प्रकाशित करो। धर्म को, हर क्रिया को सगुण मान के चलो। कर्म की सफलता का सगुण, अब बीमार तो कभी हो सकते हो कि नहीं? बीमार हो सकते हो, ये मान के करो कि भगवान मैं तेरा अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बीमारी की वैक्सीन तैयार कर रहा हूं, वैक्सीन लगा रहा हूं। क्योंकि ये दो खून गंदे व्यक्ति हमारी जिंदगी की ऐसी बीमारी को दूर कर देंगे जिस बीमारी को औषधि भी दूर नहीं करते। तो जिंदगी की हर क्रिया, हर शुरू कर्म को और धर्म को ऐसा गठबंधन बनाओ जो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक ऐसा साधन बन जाए कि वो भार नहीं, सौभाग्य महसूस हो, शगुन महसूस हो। अब आज का प्रवचन सुनने के बाद कल से करो मंदिर में जितने पुरुष हैं वे सब कर्म में सफलता पाने के लिए शगुन के रूप में मंदिर जाएंगे। अपने बच्चों की सफलता के लिए माँ बाप की सेवा करेंगे, असहाय मान के नहीं। क्या कहा? असहाय मान के सेवा नहीं करना, बच्चों का सहारा मान के सेवा करना। साधुओं के लिए जब आए तो इसलिए यहां पर आगवानी नहीं करना, आहार देना कि महाराज को कोई चौका नहीं लगाए तो लगाना तो पड़ेगा, चलो भाई। नहीं, अपने जीवन को धन्य मानने के लिए मान करके किया। इसलिए मैंने कह दिया मेरे तुम लोग कहो अब क्या करें, महाराज ने ऐसा रास्ता चुन लिया कि बिहार तो कराना ही पड़ेगा। काम कर वाला मत कराना, मैं अकेले काफी हूं, चिंता मत करना। मेरा नेटवर्क इतना है कि मुस्लिम बस्ती में चला जाऊं तो वो भी मेरा बिहार करा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी करना सगुन मान के करना, शुभ मान के करना। मैं बिहार नहीं करा रहा हूं, अपनी जिंदगी की यात्रा के एक्सीडेंट से बचने का कवच तैयार कर रहा हूं। जैन दर्शन में प्रक्रिया होती नहीं, प्रक्रिया मानते हो। जैन दर्शन हमेशा कहता है सब चीज स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए ही करना है, स्वयं के लिए ही होता है। देखने में आ रहा है कि मैं पर का कार्य कर रहा हूं, सत्य ये है कि स्वयं का कार्य हो रहा है। देखने में आ रहा है किसान खेत में बीज फेंक रहा है, सत्य ये है किसान अपने खलिहान को भर रहा है। ये देखो, जब किसान बीज फेंकता है तो देखने में क्या आ रहा है, लेकिन सत्य क्या है? भंडार भर रहा है। बस ऐसी स्थिति मान करके चलना। आपका समय पूरा हो गया। महावीर भगवान जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं
धाम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की निर्यातक और निरूपक श्री सुभाष सागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की जन दर्शन ज्ञान की जब चर्चा की तो ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण बना दिया। जब जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बनाया तो लक्षण तो सब जीवों में जाता है। जीव धर्मात्मा ही होते हैं नहीं, अधर्मात्मा भी जीव है। उन्हें जीव की इतनी बड़ी संख्या और उन सबका लक्षण ज्ञान दर्शन कहा। अब जब ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है तो प्रत्येक जीव ज्ञानी हुआ। ज्ञान के साथ जो रहता है उसका नाम ज्ञानी है। ज्ञान जिसके पास है उसका नाम ज्ञानी है। धन जिसके पास है उसका नाम धनी है। तो इस फार्मूले को लेकर के जब चलते हैं तो संसार का प्रत्येक जीव ज्ञानी है। अब ऐसी हालत में सभी को ज्ञानी मानना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान है लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था धन है जरूरी नहीं कि वो धनी हो। 10 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठा है जरूरी नहीं कि वो बड़ा आदमी हो। 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है जरूरी नहीं कि वो अमीर आदमी हो। वो नौकर भी हो सकता है जिसे ड्राइवर कहते हैं, बैठा उसी गाड़ी में है लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है, मालिक नहीं है, दास है। उसकी गाड़ी अलग नहीं है। ऐसा ही दुनिया में लोगों के पास ज्ञान है इसलिए वो ज्ञानी है। जैन दर्शन में एक नई परिभाषा दी कि ज्ञान होकर के भी वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी पर की सेवा कर रहा है। वो नौकर स्वयं की गाड़ी नहीं चला रहा है, भले वो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा है और सारी गाड़ी की कमांड उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वह मालिक नहीं है क्योंकि वो अपने लिए गाड़ी नहीं चला रहा है। गाड़ी तो चला रहा है लेकिन अपने लिए नहीं चला रहा है, दूसरे के लिए चला रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था संक्षिप्त प्रवचन में क्रिया का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु में अर्थ क्रिया का महत्व है। अर्थ क्रिया हमारे पास नहीं है, क्रियाएं तो हैं। अर्थ क्रिया यदि हमारी समझ में आने लग जाए, अर्थ क्रिया का मतलब हम समझ जाएं,
इसका सीधा सा अर्थ समझो, अभी वो क्रिया तो है लेकिन हमारे लिए उससे कोई लाभ नहीं है, वो दूसरे की क्रिया है, दूसरे के काम मेरी ताकत आ रही है। मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता, मजदूर एक महल बनाता है लेकिन मजदूर का महल नहीं होता, एक शिल्पी भगवान की मूर्ति बनाता है लेकिन स्वयं मूर्ति नहीं होता। कल जैसे शाम को प्रश्न आया था, इधर तीर्थंकर की माता भगवान को जन्म दे सकती है तो स्वयं भगवान क्यों नहीं बन सकती, यही यहां समझना है कि भगवान को जन्म दे सकती है लेकिन भगवान नहीं बन सकती है। भगवान के पिता बन सकते हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि वह क्रिया जन्म तुमने स्वयं लिया है या दूसरे को दिया है। तीर्थंकर की मां ने स्वयं जन्म लिया है कि दूसरे जीव को जन्म दिया है? दूसरे जीव को जन्म दिया है, पर को जन्म दिया है, पर को जन्म देने वाला मालिक नहीं हो सकता। बड़ी तीर्थंकर को दिया लेकिन वो पर को जन्म दिया है। और भगवान जो बनते हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं कि दूसरे को जन्म देते हैं? पंच कल्याण गुण के स्वयं के होते हैं। भगवान दूसरा नहीं बनाता और दूसरे के लिए भगवान नहीं बनता। मां पिता ने जन्म दिया है बेटे को, दूसरे को, लेकिन भगवान जो कुछ भी करेंगे वो दूसरे के लिए नहीं करेंगे, सब स्वयं के लिए करेंगे। इसलिए भगवान सारे जगत का मालिक है, मां बाप भगवान के बाप होकर के भी अभी वो जगत के मालिक नहीं, जगत के नाथ नहीं, जगत के पूज्य नहीं। वो तीर्थंकर के पिता हो सकते हैं लेकिन जगत पिता तो तीर्थंकर ही होंगे। तीर्थंकर के माता पिता हो तो हो सकते हैं वो, लेकिन जगत पिता कौन? नाभि राय को जगत पिता नहीं कहा, प्रजापति ऋषभ देव को कहा जगत पिता है। और जगत पिता कोई होता नहीं है, वस्तुतः स्वयं का पिता जब स्वयं हो जाता है तब वहां वो अर्थ क्रिया प्रकट होती है। हमारी बस सबसे बड़ी कमी यही है कि हम किसी भी क्रिया करते समय हमारा सब कुछ पर के लिए हो रहा है, हमारा ज्ञान पर को जान रहा है। इसलिए ज्ञान है हमारे पास लेकिन हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान है, धन है लेकिन धनी नहीं है, ज्ञान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। एक वकील थे, वो एक मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहां बिल्कुल बराबर कंप्यूटर लगा रहता था, कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और बात चालू की तुरंत कंप्यूटर चालू हो जाता, एक मिनट के 2000। हमने सुना, राजस्थान की बात है, तो उन्होंने कहा तो मन के ये तो ना जाएगा, एक मिनट के 2000 कोई तमाशा है क्या? भारत में टाइम की तो कोई कीमत है नहीं, और ये 2000 रुपया। वो मेरे दर्शन करने आए, हमने आज दिखाऊंगा उनको कीमत क्या होती है। तो वो जैसे मेरे दर्शन करने आए, कमरे में आते मैंने कहा वकील साहब आपके एक मिनट के 2000 तो तुमसे तो जाना कीमती हूं, कंप्यूटर देख लेना पहले, घड़ी देख लेना आप, एक मिनट यदि तुमने मेरे से बात की तो कितना बिल लग जाएगा ये देख लेना, देख लेना बिल। तुमने कहा महाराज जी
मैं पहले ही सोच के आया हूं कि अब मेरी कीमत एक मिनट की 2000 की है तो गुरु महाराज की कीमत तो अनमोल है। ये सोच के आया हूं, कुछ भी लग सकता है, वहां का चार्ज का कोई कीमत ही नहीं आपके यहां का, और मैं देने को तैयार हूं। और यही फैसला आपका है कि मिनट के अनुसार यदि हमारी आपकी फीस है तो हमें तो और मुझे हैं, हम तो घंटों भर अब शांति से बैठ सकेंगे। बिना फीस के बैठे तो कोई धक्का मारेगा, चल भाई बाहर बहुत हो गया, सीधा कह दो मैं फीस दे रहा हूं। बोले अनमोल है यहां की फीस, और मैं देने को तैयार हूं, प्रति मिनट के हिसाब से दूंगा, सेकंड के हिसाब से ले लेना। मुझे आपके कुछ क्षण मुझे दे दो, सेकंड के हिसाब से मैं फीस देने को तैयार हूं। मैंने कहा समय बर्बाद मत करना। बोले जब सेकंडों की फीस दूंगा तो एक एक सेकंड की कीमत करूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक हाई को लिखा है, साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद मत करना। साधु का क्षण और भोजन का कभी बर्बाद नहीं करना, साधु के समय को कभी बर्बाद मत करना। ये साधु आया है, चलो कहां जा रहे? बोले महाराज के यहां बैठा हूं, बैठने मत आना। हाँ तुम लोग भाषाएं बड़ी विचित्र हो जाती है, बैठने जा रहे महाराज के पास। ऐसा एक हो गया था, तुम्हारे किसी एमपी की बात है कहीं की, मैं वो गांव में गया ही था, एक सज्जन आए, बोले कहां से आ रहा है? बोले महाराज के पास बैठने गया था। और मैंने सुन लिया, मैंने कहा बुंदेलखंड में तो बैठने जब जाया जाता है जब कोई मर जाता है। हमारे एलक जी थे मिशन सहारी साथ में, वो हार्ट के मरीज थे, तो मैंने कहा कहीं घूमने चले गए हूं, तो मैंने छोड़े हुए कमरे में दिखवाया, वो तो सुबह मैंने कहा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? नहीं मैं तो ठीक हूं। फिर मैंने उसको पकड़ा, जब हमारे संग में कोई मरा नहीं तो तू बैठ के किसको गया? मैंने पकड़ लिया उनको, मैंने भी अवशगुन करके जाते, जब मेरे यहां कोई मरा नहीं तो तू बैठ कैसे गया? बोले भाई बैठने जाने का क्या होता है, भाई बैठने जा रहा है कोई मर गया है। तो महानुभाव साधु के यहां बैठने मत आना, क्योंकि यहां कोई मरता नहीं है, यहां तो सब अमर होते हैं। साधु का क्षण भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना, ये नीति है। मैं कहा महाराज एक एक क्षण की कीमत करूंगा। मन की ये तो सही मजाक हुई, आप ही बताओ 2000 एक मिनट की तुम क्यों लेते हो, क्या कीमत है तुम्हारी 2000 की? बोले महाराज 2000 लेता जरूर हूं, करोड़ों बचाता हूं, करोड़ों हूं। सीए वकील थे वो। मन की अच्छा ही बताओ, मेरी एक समस्या है, एक मिनट में अभी आपने सुलझा दी तो फिर हमारा जितना समय तुम लोगे मैं भी माफ कर दूंगा। वो एट्टी जी होती ना, मंदिरों को एट्टी जी नहीं मिलती है, मैंने कहा मंदिरों को एट्टी जी चाहिए। आधा सेकंड लगा, बोले कुछ नहीं मेरा जनाला के स्थान पर ध्यान केंद्र निकलवा लो, एट्टी जी मिल जाएगी। मात्र एक बात बोला वो चुप हो गए। जिनाला शब्द मंदिर में लिखा करके ध्यान केंद्र लिखा दो, तो मैंने कहा ये तो झूठ होगा। बोले झूठ नहीं होगा, आप मंदिर में नौ बार नमोकार मन पढ़ते होगे? नहीं। मैंने पढ़ते हो? बोले यही तो ध्यान है, इससे बड़ा ध्यान क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा और कानून का सत्य हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। मैंने कहा वकील साहब कल से 2500 फीस कर देना, मेरा आशीर्वाद है। माइंड की कीमत होती है, नहीं एक क्षण में एक बात में सब कुछ कर दिया। अब छतरी वालों बहुत तुम्हें, अब मैं वकील हूं, मेरा क्षण बर्बाद मत करना।
समय बहुत कीमती होता है, साधु का समय तो अनमोल होता है। यदि इस क्षेत्र को बहुत सर्वव्यापक बनाना है तो इसका अधिकार क्षेत्र खोल दो सारे भारत के लिए, सारे छतरपुर के लिए। यदि ऐसा कोई समर्पण कर सको और फिर जो यहां होगा वो बहुत को सीरियस केस है, केस सीरियस है, बहुत सीरियस है। अभी तक के केस में से सबसे ज्यादा सीरियस है दिख रहा है, क्योंकि बिगड़ा हुआ केस है। एक केस सीधा बीमारी से आता है और एक केस कई डॉक्टरों के पास से बिगड़ के आता है। दोनों में अंतर होता कि नहीं? एक तो सीधा केस आया निपटा दिया और एक ऐसा केस आया जो कई दिन आगे पहले औषधियां ले चुका है, तो उसकी साइड इफेक्ट कम करना पड़ेगा पहले। तो केस तो डेंजर है लेकिन फिर भी आसार हैं कि ठीक हो सकता है। लेकिन मैं उसी क्षेत्र में हाथ डालता हूं जो चंद लोगों की बकौती ना हो, तो चंद लोगों की बकौती नहीं हो, अधिकृत ना हो, सारे जगत के लिए, सारी समाज के लिए जो वसीयत बन जाती है उसके लिए मैं बोलता हूं। तो इसका यदि तुम्हारा फैसला हो तो फिर कुछ बात सोचो, अन्यथा मेरा क्षण बर्बाद मत करना। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक थे गोभक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रियंता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीति जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन, ठेकेदार परिवार अनिल राजस्थान, पुत्री रंगामाथ, श्रीमती सौम्या जैन, श्री राकाश जैन दिल्ली, साज प्रॉपर्टी, 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।